आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं और हनीमून को सेलिब्रेट करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए किसी हिमाचल हिल स्टेशन को सर्च कर रहे हैं, तो मनाली और शिमला से बेटर ऑप्शन हो नहीं सकता। पिछले कुछ दिनों से जब COVID-19 की सिचुएशन चल रही थी तो हिल स्टेशन पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, लेकिन जब हिमाचल टूरिज्म ने पूरी तरह से अपने राज्य के अंदर, अपने प्रदेश के अंदर टूरिज्म को स्टार्ट कर लिया है, कुछ रेस्ट्रिक्शन को आपको फॉलो करना होगा जो आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। तो हे फ्रेंड्स, की हालचाल, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं YT भारत चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में वो सारी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं जिनको फॉलो करके आप हिमाचल प्रदेश को घूम सकते हैं। आइए सबसे पहले इस वीडियो में देख लेते हैं वहां की खूबसूरती को, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे, अपने लैपटॉप की स्क्रीन में चलेंगे और जानेंगे एक एक करके वो सारी बारीकियां जिनको फॉलो करके आप बिना किसी रुकावट के हिमाचल प्रदेश को सर्च कर सकते हैं, घूम कर सकते हैं और अपने हनीमून को सेलिब्रेट कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इस बहुत ही जबरदस्त इंटरेस्टिंग वीडियो को। चलिए आइए दोस्तों जान लेते हैं, अगर आपको हिमाचल में एंट्री करनी है तो कौन सी SOP फॉलो करनी होगी, कौन सी इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी होगी। ये 5 इंस्ट्रक्शन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट ने जारी की हैं। सबसे पहली इंस्ट्रक्शन ये है कि आपके पास 72 घंटे पहले तक का कोविड नेगेटिव टेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी ICMR ऑथोराइज लेबोरेटरी या सर्टिफाइड लैब से। दूसरी इंस्ट्रक्शन यह है कि आपको अपने आप को रजिस्टर कराना होगा covidpass.hp.gov.in वेबसाइट पर जाकर के, जो आगे इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यह है कि आपके पास खुद का 2 या 4 व्हीलर होना चाहिए। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यह है कि आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड होनी चाहिए जो भी ट्रैवल कर रहे हैं। और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यह है कि आपके पास कम से कम 5 दिन का स्टे होना चाहिए किसी हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट रजिस्टर्ड होटल के अंदर, और वो बुकिंग की डिटेल आपको इस वेबसाइट में जाकर के फिलअप करनी होगी covidpass.hp.gov वेबसाइट के अंदर। तो इन 5 इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिए। अब जान लेते हैं कि किस तरह से आपको रजिस्टर कराना है covidpass.hp.gov.in वेबसाइट में जाकर के। सबसे पहले आप इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को रीड कर लीजिए जिसमें बताया गया है कि आपको इस वेबसाइट पर जाकर के अपनी सारी डिटेल फिलअप करनी है, और उनको फिलअप करने के बाद आपको ये एक जो भी आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी वो दिखानी होगी। 4 ब्लॉक्स हैं। सबसे पहले है इंटर स्टेट एप्लीकेंट्स, यहाँ पे रजिस्टर्ड करें, डिटेल आप पढ़ लीजिए पॉज करके। नेक्स्ट है विद इन स्टेट एप्लीकेंट्स, राज्य के भीतर के आवेदक यहाँ पे रजिस्टर्ड करें। इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स, अंतर्राष्ट्रीय आवेदक, यहाँ पर क्लिक करके रजिस्टर्ड करें। और इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्कर, यहाँ पर क्लिक करके रजिस्टर्ड करें। तो जिससे भी रिलेटेड हैं आप, वहाँ पर आप डिटेल को फिलअप करके चलिएगा। हम चलते हैं यहाँ पर, हमने क्लिक कर दिया है ऑप्शन पर, और क्लिक करने के बाद ये देखिएगा, क्योंकि हम बाहर से ट्रैवल कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश को, तो हमने इस पर क्लिक किया है। यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा जिस भी स्टेट से आप ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे मैंने सेलेक्ट किया है दिल्ली को। दिल्ली के बाद ये पूछ रहा है कि आप दिल्ली के कौन से एरिया से आप वहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने सेलेक्ट कर रहा हूँ नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, तो यहाँ पर कह रहा है कि रेड जोन के अंदर आ रहा है, आप यहाँ पर विजिट नहीं कर सकते हैं। तो दिल्ली के ज़्यादातर इलाकों को अभी इस वेबसाइट में हालांकि रेस्ट्रिक्ट किया गया है, लेकिन फिर भी आप स्टेशन को फॉलो करके यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट स्लिप ले सकते हैं, क्योंकि अब दिल्ली के मोस्टली इलाके रेड जोन में नहीं हैं, तो आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। ये देखिए, नेक्स्ट में पार्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसमें भी यही दिखाएगा दिल्ली के, तो यहाँ पर ओके कर देते हैं, अपनी डिटेल को फिलअप कर लेते हैं और इसको हम लेके जाएंगे, तो वहाँ पर हमें इजीली एंट्री मिल जाएगी, क्योंकि दिल्ली के इलाके के बहुत सारे लोग ऑलरेडी मनाली में ट्रैवल कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर अपनी डिटेल को फिलअप कर देते हैं पूरी तरह से, आप फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद ट्रैवलिंग टू, आप कहाँ कर रहे हैं ट्रैवल, उसमें आपको डिस्ट्रिक्ट फिल करना होगा, डिस्ट्रिक्ट है मनाली के लिए कुल्लू, उसके बाद तहसील है कुल्लू। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आप कहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर इलाका यहाँ पर भरना होगा, जैसे मैं मनाली सेलेक्ट करता हूँ। बुक फॉर्म कहाँ के लिए किया है वो यहाँ पर हमने फिलअप कर दिया है। उसके बाद की डिटेल आपसे फिलअप करवा रहा है, कौन से वार्ड में आप ट्रैवल कर रहे हैं, उसका फुल एड्रेस आप बता दीजिए। तो ये डिटेल फिलअप करने के बाद आप एक एक करके चेक कर लीजिए। यहाँ पर हमने एक सैम्पल के रूप में यहाँ पर डिटेल को फिलअप कर दिया है। आगे आपको बताएंगे एप्लीकेंट की डिटेल को फिलअप करना है, वो आपको पता ही होगा, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल को आपको फिलअप करना है, आपके फादर के नेम या हस्बैंड नेम जो भी है, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ आपको एक सबमिट करना होगा।
सबसे पहले कौन सा गवर्नमेंट आईडी प्रूफ है वो सेलेक्ट करिए, पर्पस ऑफ विजिट में आप सेलेक्ट करिए, जैसे टूरिज्म हम सेलेक्ट कर रहे हैं, सब कैटेगरी भी टूरिज्म होगी। इसके बाद पर्पस क्या है, जैसे पर्पस आपको हनीमून पे जाना है तो हनीमून सेलेक्ट कर दीजिए, ट्रैवल करना है तो ट्रैवल कर दीजिए। डिटेल ऑफ स्टे में आपको यहाँ पर डिटेल देनी होगी कि आपने कौन से होटल के अंदर बुकिंग करी है, वो नेम ऑफ होटल देना होगा, प्लेस ऑफ होटल, बुकिंग कब से कब तक की है, और जो भी आपके बुकिंग से रिलेटेड फाइल है वो यहाँ पर अपलोड करनी होगी, जो भी डॉक्यूमेंट है आपके बुकिंग का। उसके बाद एक एड्रेस प्रूफ देना होगा उस होटल का, ये मैंडेटरी नहीं है, वैसे आप इसको छोड़ दीजिएगा, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बुकिंग की डिटेल ही काफ़ी होंगी। इसके बाद अदर डिटेल में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा व्हीकल आप ले करके आ रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे सैंपल के तौर पे टू व्हीलर सेलेक्ट कर रहा हूँ, व्हीकल का नंबर इसके बाद देना होगा। एंट्री डेट भी बतानी होगी, कब आप हिमाचल में एंट्री कर रहे हैं वो डेट आपको स्पेसिफाइड बतानी होगी, क्योंकि जब बॉर्डर पर चेकिंग होगी तो वो चेक करेंगे कि आपकी एंट्री डेट आज की ही है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ों की आपकी चेकिंग करी जाएगी, तो यहाँ पे बहुत ध्यान से आप देखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपसे टेस्ट की डिटेल पूछ रहा है, टेस्ट की डिटेल आपको फिलअप करके लास्ट में जाना होगा, एक यहाँ पर आपको कोड आपको दिख रहा होगा वो आपको एंट्री करना होगा। डिक्लेरेशन पे आपको जो भी डिक्लेरेशन है उसमें आप कोविड पॉजिटिव है निगेटिव है वो सारी डिटेल भरनी होंगी, और जो भी इंस्ट्रक्शन पूछ रहा है वो सारा यस नो जो भी है आपको वो सेलेक्ट करना होगा, और सेलेक्ट करने के बाद जो है ये आपका फॉर्म पूरी तरह से फिलअप हो जाएगा। ये वेबसाइट मैंने आपको बताई थी covidpass.hp.gov.in। अब चल लेते हैं, एक गाइडलाइंस आपके सामने आ रही हैं जो इस वेबसाइट पर भी आ रही हैं, क्लिक करते हैं बुक नाउ स्टे लेटर पर देख लेते हैं क्या है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने ये बुक नाउ पे लेटर पर क्लिक कर तो स्टे लेटर बुक नाउ स्टे लेटर पे एक ऑप्शन को आपको प्रोवाइड किया है, जिसमें अगर बाय द चांस आप बुकिंग कर लेते हैं और आप किसी वजह से हिमाचल में स्टे नहीं कर पाते हैं तो आपकी बुकिंग को जो है वो 2022 तक के लिए एप्लीकेबल कर दिया जाएगा। 2022 तक आप सेम बुकिंग पर जो है स्टे कर सकते हैं, आगे पोस्टपोन कर दिया जाएगा। जस्ट आपको इन्फॉर्म करना है इस वेबसाइट पर जा कर के, जो भी फ़ोन नंबर कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। आइए अब देख लेते हैं कि किस तरह से आप HSP TDC ऑनलाइन होटल रिजर्वेशन सिस्टम में बुकिंग कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होगा आप कहाँ जा रहे हैं, जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया मनाली। डेट आपको चेक इन चेकआउट की देनी होगी, उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आ रहे हैं होटल के, इसमें से किसी एक होटल को सेलेक्ट कर लीजिए और कम से कम 5 दिन की बुकिंग करानी है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी सारी डिटेल आपको एक जगह पर जाकर के सेफ रखनी है, हमेशा कैरी करनी है अपने इस टूर पर। तो दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और आप लोग भी अब कुछ ही दिनों में जो है वो हिमाचल के मनाली और शिमला में जाने के बारे में सोच रहे होंगे, और इससे जुड़े अगर आपके कोई भी सवाल रह गए हैं तो YT भारत पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड बटन है सब्सक्राइब का, क्लिक करो सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाओ ताकि आगे आने वाले सभी मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके साथ अगर आप YT भारत चैनल पर सर्च करते हैं तो वहां पर मिलते हैं आपको 200 से ज्यादा लगभग फन एंटरटेनमेंट ट्रैवल से जुड़े हुए वीडियोस। तो मिलते हैं YT भारत के इस तरह के बहुत ही अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए YT भारत चैनल पर। चलिए। सब्सक्राइब कीजिए YT भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो, और वो भी बिल्कुल।